अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम कलम के साथ अलिफ लिखना सीखेंगे। उर्दू कैलीग्राफी में अलिफ तीन कद का होता है, तीन कद। अभी मैं इधर अलिफ लिखने लगा हूँ, ये कलम के साथ ये अलिफ है। अभी मैं कद लगाता हूँ, एक दो तीन, तीन कद, तकरीबन तीन कद का ये अलिफ है। ये अभी दूसरा अलिफ डालेंगे इसी तरह, ये नीचे ये लाइन है, चाहूँ कि इसका ख़त्म भी लाइन के ऊपर हो, स्टार्ट भी दस ही करना है और ख़त्म भी इधर लाइन के ऊपर करना है, इसकी नोट जो है लाइन के ऊपर होनी चाहिए। ये भी तीन कद का ही होगा, दो तीन, थोड़ा बहुत फर्क है इसमें, बाकी ये तीन कद का ही होता है। अलिफ के जो है ना साथ काफ़ी जाना, ये अलिफ ऐसा एक अलिफ एक ऐसा हरफ है जो काफ़ी जो है ना हरफों के साथ मिलकर लफ्ज़ बनाता है, जिस तरह लाम है। अभी ये मैंने अलिफ डाला है ना, इसी के साथ जो है ना लाम भी बनती है, इसी अलिफ के साथ लाम बनती है, इसी अलिफ के साथ जो है ना कौफ बनता है, इसी अलिफ के साथ नीम बनती है। अभी मैं पहले इस अलिफ के साथ लाम बनाऊंगा, लाम कैसे बनती है। तो ये अलिफ मैंने डाला इसी के साथ जो है ना, ये थोड़ा ऊपर डाल देता हूँ ताकि ये लाइन के ऊपर जो है ना लाम ख़त्म हो। अभी मैं इधर से स्टार्ट करूँगा अलिफ को, ये इधर ख़त्म हो गया, ये नून है। अभी अलिफ के साथ ही ये लाम बना रहे हैं, इधर से हम शुरू करेंगे, ये इधर से, इधर से हमने कत लगाने हैं, ये एक दो तीन, इसकी चौड़ाई जो है ना तीन कत है, और इधर से लगाने हैं अढ़ाई कत, ये आधा, ये हम इधर से इसको गोलाई देनी है, इधर से ये इसके इधर से गोलाई बनेगी, इधर से गोलाई बनेगी, ये हमने इसके कत लगा दिए हैं। इधर से अभी हमने लेना है इसको, इधर से कलम को रखना है, ये ऐसे इधर से फिर चौड़ा करना है कलम को, फुल खत लगाना है, इसी दायरों के ऊपर जो है ना लाइन इसको लेना है, कलम को लेके जाना है, ये हो गई लाम। अभी अलिफ के साथ मैंने लाम को बनाया है, और इसी अलिफ के साथ जो है ना मैं कौफ को बनाऊंगा अलिफ, ये अभी इधर से ही कला कौफ को बनाना है, काफ अभी देखते हैं काफ किस तरह। ये इधर अभी अलिफ लगाई ना, एक अलिफ इधर भी लगाती है, काफ का जो सर है ना वो भी अलिफ होता है, जिस तरह हम अलिफ बनाते हैं इसी तरह काफ भी इधर से जो है ना इसका सर भी अलिफ के साथ ही बनता है। ये देखिए ये भी एक अलिफ ही है। अभी काफ आके जो है ना हम बे की प्रैक्टिस कर रहे थे, अलिफ और बे के साथ जो हाँ सारे लफ्ज़ जितनी भी हैं ना उनको देखना है, ये दो लफ्ज़ जितने अलिफ और बे ये ऐसे लफ्ज़ हैं ना, इनसे काफ़ी जो है ना हरफ हैं जिनसे काफ़ी लफ्ज़ जो है ना मिलकर हरफ से मिलकर काफ़ी लफ्ज़ बनते हैं। अभी हम ये काफ अलिफ डाला है, उधर भी अलिफ डाला है, और इधर अभी हम इसको काफ बनाएंगे। काफ कैसे बनेगा, जब बे डालेंगे तो बे कितने कत की होती है, बे तीन किस्म की होती है, एक 11 कत की होती है और एक तीन कद की और एक पांच कद की होती है। तो हम डालेंगे पहले तीन कद वाली डालेंगे, अभी बल्कि 11 कद वाली डाल लेते हैं, 11 कद वाली अलिफ अभी ये भी डालेंगे। ये देखना इधर से हम इसको नोक के जरिए स्टार्ट करेंगे, ये नीचे लाइन है, जब दरमियान में जाएगा ना भी ये टच करेगा लाइन को, पहले हम कद लगा लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, अभी इधर से हम बेस स्टार्ट करेंगे, ये इधर से होगी, ये देखिए दरमियान से लाइन को टच करनी चाहिए,
इतने तक लेके जाएंगे ये। हो गया हमारा ऑफ। अगर मुश्किल है तो उसको कलम की नोक के जरिए देना सेट करना है, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है फिर ऊपर नीचे हो जाती है। ये ऐसे ये अलिफ लाम कौफ, इसकी लंबाई कितनी है 11 कद। आपने ध्यान ये रखना है कि लफ्ज़ जो बन रहे हैं वो अलिफ से बन रहे हैं, अलिफ और बे इसमें आपस में मिक्सचर हुआ है जो, तो ये कॉफ बन रहे। इसकी 3 कत है, ये 3 कत, इसकी 2.5 कत है, 2.5 कत। ये 3 कद, इसके भी 3 कद ही है, 1 2 3, और इसकी भी 3 कद है, 1 2 3।